हेलो एंड वेलकम टू ऑल सर, वेलकम आपका और थैंक यू अगेन कि आपने फिर अपना समय दिया। और स्टूडेंट्स के कुछ सवाल हैं जिनको आज हम आपसे कुछ क्लियर करना चाहेंगे। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो जनरल क्वेश्चंस हैं और जिनको अक्सर पूछा जाता है वीडियोस में, जबकि हम इन पर ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप नीचे वीडियो सेक्शन में जाकर या फिर इस आई बटन को क्लिक करके उस पर भी देख सकते हैं। तो सर, ये क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे दांत गंदे हैं तो क्या मैं मेडिकल में पास हो जाऊंगा या किसी भी ऐसे मेडिकल में जहां पर दांतों की जांच होती है, तो उसमें मैं पास हो जाऊंगा आसानी से? तो इसके लिए अगर क्या करे वो बंदा जिसके दांत गंदे हैं? किसी के दांत अगर गंदे हैं तो उसको डेंटल मेडिकल में टेम्परेरी अनफिट कर दिया जाता है। ओके। और उसे ये कहा जाता है कि अपने दांतों की प्रॉपर क्लीनिंग करा के ही और गम डिजीज को दूर करके ही दोबारा से रीअपियर हो। अच्छा, तो आपको किसी डेंटिस्ट या डेंटल सर्जन डेंटल हाइजीनिस्ट के पास जाके प्रॉपर चेकअप करा के ट्रीटमेंट ही लेना ज़रूरी है। ओके। उसमें उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से दांत गंदे हैं? क्या दांतों में मेनली दो तरह की प्रॉब्लम होती हैं कि या तो मुंह से बदबू किसी के आ रही है या डिपोजिशन हो जाता है, जिसे टार्टर या कैलकुलस कहते हैं। अच्छा, जो पीले रंग का पीले रंग का होता है, एक लेयर जम जाती है दांतों के ऊपर गम्स मार्जिन के पास में। ओके। जो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं हटती है। ओके। कोई कितना ही दांतों को मानता रहे, अगर टार्टर जम गए हैं, कैलकुलस दांतों में लग गया है, वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं हटती है, उस केसेस में आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। वो अल्ट्रासोनिक स्केलर के जरिए और कुछ मेडिसिन के सपोर्ट के जरिए उन क्लीनिंग करता है, उस डिपोजिशन को रिमूव करता है, तभी दांतों में वो बीमारी खत्म होती है और डेंटल एग्जाम में पास हो जाए। ओके। अच्छा सर, ये जो एक सवाल और रहता है कि अगर मसूड़ों से खून आ रहा है या उसमें थोड़ी सी सूजन है, तो क्या ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है जो हिंड्रेंस पैदा कर सकती है? हाँ, ये इसको पैरिया की प्रॉब्लम जनरली कहते हैं, आम भाषा में पैरिया कहते हैं, मेडिकली इसको पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, जिसमें क्या होता है, गंदगी जमने के कारण मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है। ओके। उस स्वेलिंग के कारण से मसूड़े जो हैं वीक हो जाते हैं। जब हम नॉर्मल ब्रश करते हैं या उसमें दांतों में कोई लगता है या बहुत देर तक कुछ नहीं भी खाते हैं तो मसूड़ों से खून आने लगता है। देर सवेर ऐसा होता है कि वो गम से इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं कि दांतों गम मार्जिन होता है वो दांतों से अटैचमेंट उसका ख़त्म हो जाता है, वो फ्री हो जाते हैं, मसूड़ों से दांतों को छोड़ देते हैं। इस कारण से वहाँ पर ज़्यादा स्वेलिंग होती जाती है और वो अनकम्फर्टेबल हो जाता है। इस कंडीशन में मेडिकल तो मिलना तय है। ओके, रीमेडिकल होना ही है। हाँ, ये क्वेश्चन सर मेरे पास इसलिए भी आया कि एक सवाल है एक व्यूअर का कि मुझे पायरिया की वजह से डेंटल रीमेडिकल के लिए मुझे बोल दिया गया और पायरिया था उसको, तो उसमें उसको क्या करना चाहिए अब? तो मेरे पास अभी पिछले दिनों ही अभी जल्दी ही ये आया, तो ये इससे भी रिलेटेड है कि अगर पायरिया है स्थिति या फिर दांत गंदे हैं या फिर गम्स में स्वेलिंग है, तो इन स्थिति में सब चीज़ें एक ही हैं। किसी ने पान मसाला ज़्यादा खा लिया है, गुटखा ज़्यादा खाता है, या नॉर्मल ब्रश करते करते गंदगी साफ नहीं हुई है, या वो कंडीशन जो पैरिया बन गया कि मसूड़ों खून आ रहा है, बदबू आ रही है, इन सब चीज़ों का एक ही इलाज है कि डेंटल क्लीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कराना ही है। इसके लिए आप किसी डेंटल हाइजीनिस्ट से, किसी डेंटल सर्जन से मिलेंगे, वो दांतों की क्लीनिंग करेगा। आजकल अल्ट्रासोनिक स्केलर आते हैं। ओके। अल्ट्रासोनिक स्केलर से विदाउट पेन दर्द रहित इलाज हो जाता है, सारी गंदगी को रिमूव करते हैं और फिर कुछ दवाएं चला देते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि आपको फिर ब्रशिंग का टेक्निक सीखना चाहिए। अच्छा, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक सीखें, कौन सा पेस्ट करें, किस समय करें, सब बातों पर गौर करें। जब आप ये करेंगे तो आपके दांत जल्दी ही हेल्दी हो जाएंगे, ब्लीडिंग की समस्या खत्म हो जाएगी, बदबू आना खत्म हो जाएगी। बदबू आती है बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है। ओके। इसे हेलिटोसिस कहते हैं। ब्रशिंग के साथ साथ आप माउथ वाश का इस्तेमाल रात में कर सकते हैं, जिससे कि इस समस्या से जल्दी ही छुटकारा पा सकते हैं। और रात का ब्रश भी बहुत इंपॉर्टेंट है सोते समय। रात का ब्रश इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम जो दिन भर खाते हैं, रात में खाना खाते हैं, फूड पार्टिकल दांतों में लॉज हो जाते हैं, फंसे रहते हैं और वो सड़ने के बाद मुंह में बदबू पैदा कर देते हैं। तो रात का ब्रश करना तो मस्ट है, सुबह ब्रश करना ज़रूरी है जी। ठीक है, ब्रशिंग टेक्निक सीखना ज़रूरी है और अच्छा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें जो दांतों में फोमिंग करे,
फ्रेशनेस पैदा करे, ऐसा ना हो कि कोई ऐसा मंजन ले लिया, कोई ऐसा पेस्ट ले लिया, कोई गुल मंजन लगा लिया, इस प्रकार से दांतों में गंदगी फिर से जम जाएगी और फिर वही समस्या दोबारा हो जाएगी आपको। ओके, तो अगर किसी के साथ ऐसी स्थिति है तो सबसे पहले तो वो अपने दांतों की क्लीनिंग पर ध्यान दें, मॉर्निंग में और इवनिंग में, इवनिंग एंड मॉर्निंग दोनों समय वो ब्रश करें प्रॉपरली खाने के बाद, जिससे कि फूड लॉजिंग ना हो उसमें। और अगर मसूड़ों में स्वेलिंग है, अगर किसी भी वजह से स्वेलिंग है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, जिससे कि पारिया की स्थिति ना हो। और टाटर भी अगर जमा है तो उसको प्रॉपर क्लीन कराएं। और ये आपके अनुसार ये दोनों लोग कर सकते हैं, एक डेंटल हाइजीनिस्ट भी कर सकता है और एक डेंटल सर्जन भी कर सकता है, किसी अच्छी क्लिनिक जा सकते हैं, किसी अच्छी क्लिनिक पर जाके उसके अल्ट्रासोनिक स्केलर से स्केलिंग करा लें। अच्छा, ये मान लीजिए सर, ये अभी उसका रीमेडिकल के लिए अभी बोला है उसको, तो इसमें कितना समय लगेगा अगर वो कहीं जाता है इस सब को कराने के लिए? ज़्यादा समय नहीं लगता, ये डिपेंड करता है कि माउथ में कितनी प्रॉब्लम है उसके। ज़्यादा डिपोजिशन है तो 2 या 3 विजिट करना पड़ेंगी उसको। कितने दिन के बाद? रेगुलर भी जा सकता है, कुछ गैप भी कर सकता है, ठीक है। जब वो क्लीनिंग प्रॉपर हो जाएगी तो कुछ दवाएँ चल जाएंगी मुँह में गम्स पे लगाने के लिए, कुछ मेडिसिन खाने के लिए, और कुछ ही समय में मेरे ख्याल से हफ्ता भर में 10 दिन के अंदर वो गम्स हेल्दी हो जाएंगे, नॉर्मल कंडीशन में आने लगेंगे। हेल्दी गम्स की पहचान ये है कि हेल्दी गम्स आपके पिंक कलर के होना चाहिए और दांतों से अटैच होना चाहिए। अगर दांत गम मार्जिन लूज हो गए हैं, दांतों को छोड़ दिया है, उस स्थिति में दांत हिलने की संभावना पूरी रहती है। जब दांत हिलने लगेंगे तो हेल्थ इश्यू पैदा हो जाएंगे, जब हेल्थ इश्यू पैदा हो जाएंगे तो आदमी के लिए बहुत समस्याएं पैदा हो जाएंगी। वो मिलिट्री में हेल्दी होना फर्स्ट थिंग, पहली बात हेल्दी होना जरूरी है। या फिर जितने भी डिफेंस के जॉब हैं या फिर कोई और ऐसे जॉब, या नॉर्मल लाइफ में भी आपके दांत ही हैं हेल्दी तो आपकी सेहत सही रहेगी। सर, एक समस्या इसमें और भी रहती है, जैसे पायरिया तो है ही है, अगर मान लीजिए पायरिया में कुछ लोगों की स्थिति ऐसी भी होती है कि उनके गम्स जो होते हैं वो दांतों को छोड़ देते हैं और लूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा दांत, और दांतों में थोड़ा सा मूवमेंट भी आ जाता है, हल्का सा हिलने लगते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी है, ज़्यादा स्थिति ऐसी ख़राब हो गई है, तो क्या उसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे वो अपने दांतों को स्ट्रांग बना सकता है, मजबूत बना सकता है? उसका श्योर इलाज है। अगर किसी के गम्स बहुत ज़्यादा ही लूज हो गए, अनअटैच हो गए हैं और वो फ्री हैं, वो दांतों से अटैच नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए फ्लैप सर्जरी करी जाती है। जितने भी फ्री मार्जिन है दांतों के, उन सबको फ्लैप सर्जरी के जरिए रिमूव कर दिया जाता है और गम क्रूटाज करके रूट प्लानिंग करते हैं, जिसके ज़रिए लूज गम्स हट जाते हैं और फिर फ्रेश जो गम्स हैं वो दांतों से अटैच हो जाते हैं। इसके ज़रिए गम मार्जिन भी सही हो जाते हैं और दांतों का मूवमेंट जो हिलना है वो भी कम हो जाता है। यानी एक साधारण से शब्दों में हम इसको समझें तो जो गम्स दांतों को छोड़ चुके हैं तो उनको पुनः हटाया जाता होगा और उसके बीच में जो है उसको सही से सफाई कर दी जाती है अच्छे से। जो अनहेल्दी गम्स हैं जो दांत से अटैच नहीं हो सकते, उनको रिमूव करने के बाद हेल्दी गम्स ट्रीटमेंट के जरिए दांतों से अटैच हो जाते हैं, दांतों में ब्लीडिंग भी खत्म हो जाती है और दांत हिलना भी कम हो जाता है। अच्छा अच्छा, यानी वो जब ये सर्जरी या जो प्रोसीजर सर्जरी कराते होंगे तो उसमें जो स्किन अंदर की जो डेड सेल्स हैं उनको हटा दिया जाता है जिससे वो अच्छे से उनकी ग्रिप हो जाए। बिल्कुल, जो डेड गम्स मार्जिन है उनको हटा के हेल्दी गम्स दांतों से अटैच हो जाते हैं। ओके, और नॉर्मल कंडीशन। तो इसमें कितना समय लगेगा सर अगर कोई कराता है? सर्जरी कितने पार्ट में होना है, कितने, इस पर डिपेंड करता है। 1 या 2 बार में सेटिंग में सब दांतों में, मान लीजिए 3 दांतों में करानी है किसी को, तो एक विजिट में हो जाती है। एक विजिट सफिशिएंट है। ज़्यादा गम्स हैं ख़राब हैं तो 2-3 विजिट में सारे माउथ में करी जा सकती है। ठीक, और उसको हीलिंग में कितना समय लगेगा, ठीक होने में कितना समय लगेगा? नॉर्मल बहुत सी बातें हैं लेकिन नॉर्मली 1 वीक 10 डेज ऐसे में, 10-15 डेज में आप गम्स हेल्दी हो जाएंगे। ओके ओके, तो थैंक यू सो मच सर, एंड आई होप कि जिन लोगों ने ये सवाल पूछे थे और उनके ये क्वारीज थी तो वो अब क्लियर हो गई होंगी यहाँ से कि उनको अब क्या करना चाहिए और अगर ऐसी स्थिति है तो उन्हें कौन सा स्टेप लेना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच सर अगेन, एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आप सभी से। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय।